गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है ये कोड 309 का थर्ड ईयर का टॉपिक है हमारा। हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होती है, किसे कहते हैं, क्या इसकी वर्किंग होती है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। हमने ये देखा कि रिले क्या होती है। तो रिले क्या थी हमारी, रिले हमारी एक ऑटोमेटिक डिवाइस थी जो हमारे सर्किट में क्या कर रही थी, फॉल्ट को सेंस कर रही थी और सिग्नल भेज रही थी हमारे सर्किट ब्रेकर को। तो हम ये बोल सकते हैं ये एक प्रकार की सेंसिंग डिवाइस होती है जो कि फॉल्ट को सेंस करती है और सिग्नल भेजती है हमारे सर्किट ब्रेकर को। इसी प्रकार हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। यह रिले का एक टाइप है, यह रिले का एक टाइप है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिले होती है ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप के प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेट होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक मैग्नेट को यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट किया है उसका यूज़ हम करते हैं हमारे स्विच को ओपन या क्लोज करने के लिए, जिससे कौन सी परफॉर्मेंस होगी, हमारी मैकेनिकल ऑपरेशन होगा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिले होती है इसके अंदर हम एक मैग्नेट का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए, और उस मैग्नेटिक फील्ड का हम यूज़ करेंगे हमारे स्विच को ओपन और क्लोज करने के लिए। अब हम आगे देखेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं और कैसे उसका यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है इसको हमने दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले एंड सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले क्या कहती है कि इसके अंदर एक आर्मेचर होता है जो हमारा अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, हमारे मैग्नेट की तरफ। इसीलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले, क्योंकि हमारा आर्मेचर अट्रैक्ट हो रहा है हमारे मैग्नेट की तरफ। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे आर्मेचर के ऊपर एक फोर्स लगता है। पहले हमारा जो आर्मेचर है वो कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन पे रहता है, लेकिन जैसे ही हमारे आर्मेचर पे जो फोर्स लगेगा तो क्या होगा, आर्मेचर अपनी पोजीशन से मूव करेगा। मूव कैसे करेगा, वो अट्रैक्ट होगा हमारे मैग्नेट की तरफ, और जो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमारे सर्किट के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी कोइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके, उस करंट के स्क्वायर में उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सप्रेस्ड ऑन द मूविंग एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द कोइल। यानी कि कोइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर में उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और हमारा मूविंग पार्ट कौन सा है, हमारा आर्मेचर है जो हमारा मूव कर जाएगा। अब बात करते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन जो रिले है ये एसी और डीसी या दोनों पे ऑपरेट होती है। तो हाँ, ये एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट हो सकती है। अगर आपने एसी सप्लाई दी है तो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा हमारे आर्मेचर के ऊपर तो वो क्या होगा, के आई स्क्वायर। एसी सप्लाई है तो हम आई को लिखेंगे आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, इसका हम स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर मैक्स को हम बाहर ले लेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया। और हमारे फॉर्मूले में हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। यहाँ पे हमने के को और नीचे जो 2 आया था उसको हमने बाहर ले लिया है। तो इक्वेशन हमारी बनी है 1/2 के ब्रैकेट आई स्क्वायर मैक्स माइनस आई स्क्वायर मैक्स कोस 2 ओमेगा टी।
अब आपको इस इक्वेशन से पता चल रहा होगा कि हमारी इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट आए हैं। एक जो कांस्टेंट आया है वो टाइम के साथ इंडिपेंडेंट है, और दूसरा जो कांस्टेंट आया है वो टाइम के साथ में डिपेंडेंट है। तो टाइम के साथ में डिपेंडेंट जो कांस्टेंट है वो क्या है, एक है पल्सेटिंग एट डबल सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आपको समझ में आ रहा होगा डबल सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये पल्सेटिंग कर रहा है, और इस डबल सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो हमारी रिले के अंदर नॉइस प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारे रिले के जो कॉन्टेक्ट हैं वो डैमेज हो सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो हमने ये बताया कि जो कंस्ट्रक्शन होती है रिले की वो बहुत सिंपल होती है। रिले में एक प्लंजर होता है, एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर हिंज्ड आर्मेचर भी हो सकता है, रोटेटिंग आर्मेचर भी हो सकता है। इस प्रकार हमारी जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट्रैक्शन की वो बहुत सिंपल होती है, जिसके भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट है बैलेंस्ड बीम रिले। बैलेंस्ड बीम रिले क्या कहती है, आपके पास एक कोर आपने ली है जिस पे आपके पास यहाँ पे आपको दो कोयल दिख रही होंगी, एक रीस्ट्रेनिंग कोयल है दूसरी ऑपरेटिंग कोयल है, ऊपर आपको आर्मेचर दिख रहा होगा, मूविंग आर्मेचर है, मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये हमारे फिक्स्ड कॉन्टेक्ट भी आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पे हमने आर्मेचर को किससे कंट्रोल किया है, एक स्प्रिंग के द्वारा हमने कंट्रोल किया है। अब देखिए जैसे ही इस कोयल में से करंट फ्लो होगा, तो जब कोई फॉल्ट नहीं आया है, सिस्टम हमारा बैलेंस है, उस टाइम पे रीस्ट्रेनिंग कोयल का करंट और ऑपरेटिंग कोयल का करंट सेम होगा, दोनों का करंट सेम होगा, जो नेट जो फोर्स होगा वो हमारा जीरो होगा। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि हमारे सिस्टम में फॉल्ट आता है, तो उस टाइम पे दोनों के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा था वो सेम नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा हमारे इस कोर में से एक दोनों का करंट सेम नहीं रहेगा, तो क्या होगा कोर हमारी मैग्नेट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा हमारी कोयल के कोर में से, जिससे क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक जो हमारी कोर है वो एज ए मैग्नेटिक मैग्नेट बिहेव करेगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा हमारे आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे हमारे सर्किट है क्या क्लोज हो जाएंगे, और हमारे सर्किट को सिग्नल हमारे जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसको सिग्नल मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेम ये बात समझने की है कि जब तक ऑपरेटिंग कोयल और रीस्ट्रेनिंग कोयल में करंट सेम फ्लो रहा है उस टाइम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही करंट में वेरी हो रहा है उस टाइम पे ये जो कोर है ये हमारी एक फ्लक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, उस फ्लक्स के कारण क्या होगा कि हमारा आर्मेचर है वो मूव कर जाएगा। सेकेंड हमारा है, हम पढ़ रहे हैं हिंज आर्मेचर रिले, ये क्या कहती है, इसमें भी सेम वही कोर है जिसके ऊपर आपने कोयल को लपेटा है, जैसे ही हमारी कोयल के अंदर से करंट फ्लो होगा और वो एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा हमारा आर्मेचर अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, हमारी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और उसके जो स्विच हैं वो क्लोज हो जाएंगे, और हमारे ट्रिप सिग्नल हमारा जो सर्किट ब्रेकर है उसको सिग्नल मिल जाएंगे। ये था हमारा बैलेंस्ड बीम रिले और हिंग आर्मेचर रिले। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन जो रिले होती है दो टाइप की होती है, बैलेंस्ड बीम रिले एंड हिंग आर्मेचर रिले। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।